विधानसभा चुनावों में कमल खिलाने वाले एमपी और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। मोहन यादव ने एमपी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जबकि राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ली है, जबकि अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। दोनों शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में आज से मोहन राज शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में साय के शासनकाल की शुरुआत हो गई। बीजेपी ने कमल खिलाने वाले दो राज्यों की खाली कुर्सी भर दी। तकरीबन 11 बजे भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मोहन यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहीं राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ लेने के बाद मोहन यादव बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ 10 मिनट का रहा, लेकिन मामा के तौर पर एमपी में मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान के कारण शपथ समारोह फिर सुर्खियों में आ गया। मोहन यादव ने शपथ से पहले दावा किया कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान ने कबीर की पंक्तियां दोहरा दी। मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं और मित्रों अब विदा। विधानसभा चुनावों में कमल खिलाने वाले एमपी और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। मोहन यादव ने एमपी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जबकि राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ली है, जबकि अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। दोनों शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में आज से मोहन राज शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में साय के शासनकाल की शुरुआत हो गई। बीजेपी ने कमल खिलाने वाले दो राज्यों की खाली कुर्सी भर दी। तकरीबन 11 बजे भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मोहन यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहीं राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ लेने के बाद मोहन यादव बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ 10 मिनट का रहा, लेकिन मामा के तौर पर एमपी में मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान के कारण शपथ समारोह फिर सुर्खियों में आ गया। मोहन यादव ने शपथ से पहले दावा किया कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान ने कबीर की पंक्तियां दोहरा दी। मुझे पूरा विश्वास है वो मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उनको शुभकामनाएं और मित्रों अब विदा। जिसकी तस रख दीनी चदरिया। एमपी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव के शपथ ग्रहण के बाद लाडली बहनों ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोक लिया। महिलाओं ने रोते हुए शिवराज सिंह चौहान से कहा कि भैया जी आप प्रधानमंत्री बनोगे, देख लेना। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने कार्यभार संभाला और अपने पहले फैसले में मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश जारी कर दिया।
बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 163 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस 66 सीट पर सिमट गई। बीजेपी ने इस चुनाव में सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया था। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। खुद शिवराज सिंह ने विधायक दल के नेता के तौर पर मोहन यादव के नाम पर प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मोहन यादव ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय ने भी राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। अपने कर्तव्यों का रखूंगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएम के बाद अरुण